दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे स्पेशल फूड जॉइंट पे लेके जाएंगे जो आपके इवनिंग स्नैक की प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सलूशन है। आज हम आपको लेकर आए हैं कैप्टन कुक प्रयागराज का वन ऑफ द बेस्ट फूड ट्रक। वैसे तो प्रयागराज में फूड ट्रक्स का कल्चर इतना नहीं है बट कैप्टन कुक ने प्रयागराज में फूड ट्रक का एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। यहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज स्नैक्स के काफ़ी यूनिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो टेस्टी इतने हैं कि आपको अपना फैन बना डालेंगे। दोस्तों वैसे तो यहाँ की सभी डिशेस अपने में खास हैं बट कुछ डिशेस जैसे टोर्नेडो, पनीर फ्रिटर्स, चिली मशरूम, मोमोज, बारबेक्यू चिकन, फिश एंड चिप्स और चिकन विंग्स यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। चलिए आपको मिलाते हैं फूड ट्रक के ओनर और हमारे प्यारे कैप्टन अंकल जिन्हें हम प्रयागराज का स्नैक किंग भी बुलाते हैं। पहले आपने फूड ट्रक कब से स्टार्ट करी है? ये 25 दिसंबर लास्ट ईयर रिसेंटली स्टार्ट हुई है जी। और आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट हुई है और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पॉपुलर हो गई है। फूड ट्रक इलाहाबाद में अपकमिंग कल्चर है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये फूड ट्रक अपने में यूनिक है क्योंकि ये ऐसे स्नैक्स को सर्व करती है जो ना केवल यंगस्टर्स के फेवरेट हैं बल्कि सभी फूड लवर्स की वेज एंड नॉन वेज क्रेविंग्स को फुलफिल करती है। ये क्या है भैया? पनीर फ्रिटर्स। यस सर। मैरिनेटेड रहता है हमारे यहाँ की फिश बोनलेस रहती है और एक प्रयास रहता है कि इससे अच्छी आपको और अच्छी खिलाएं। पहली बात तो फिश है, दूसरा चिकन विंग्स है हमारा जो कि बहुत पसंद किया जाता है और बारबेक्यू और पॉपकॉर्न स्ट्रिप्स ये तो हमारे नॉन वेज के आइटम हैं जो कि हाईली अप्रिशिएट हो रहे हैं और हम लोग को भी अच्छा लग रहा है और उत्साह बढ़ रहा है कि बढ़िया से बढ़िया आइटम खिलाए जाए और कुछ दिन में हम आशा करते हैं और अच्छे आइटम हम देंगे। वेज में हमारे वेज मोमोज हैं, पनीर मोमोज हैं और पनीर फिटर है, पास्ता है, व्हाइट सॉस पास्ता और फ्रेंच फ्राइज और मशरूम है, स्पाइसी मशरूम और पनीर फिटर। ये और मेन हमारा एक आइटम है वेज रैप, वो वेजिटेबल जितने भी होते हैं उससे मिला कर बनाया जाता है। हमने अभी ऑर्डर दिया है पनीर फ्रिटर्स का, आप देख सकते हैं ये एकदम
चिकन बॉल्स की तरह हैं, बट वेजिटेरियन लोगों का चिकन बॉल्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पनीर फिल्ड है। तो वेजिटेरियन लोग निराश ना होएं, उनके लिए भी भरपूर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक बार आएं और ज़रूर ट्राई करें। ये आ गया है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आइटम टोर्नेडो, जो देखने में जितना तरंगी है खाने में भी उतना लाजवाब है, एकदम क्रिस्पी और यमी। बहुत टफ आइटम है मगर इसमें बहुत टाइम लगता है और डिमांड इतनी है कि हम उसे पूरी नहीं कर पाते, वो है टोर्नेडो और चूरोस। ये दोनों आइटम अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि इसमें लेबर बहुत है, मगर कोई बात नहीं, फिर भी हम देते हैं, हमारा प्रयास है कि लोग एंजॉय करें और करते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे एक सबसे स्पेशल डिश है इनकी, बारबेक्यू चिकन, जो कि अपने में यूनिक है। ये एकदम वाइन की तरह है, आपको सबको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन जिसको अच्छी लगेगी फिर वो सिर्फ यही मांगता है। अंकल इसके बारे में बताएंगे, ये इसमें ऐसा क्या यूनिक देते हैं कि लोग खींचे चले आते हैं इसको खाने के लिए? हाँ सर, दरअसल क्या है, इसमें हम लोगों ने हनी का यूज़ किया है और जितने भी इसमें मसाले डाल जाते हैं वो अब बताना ठीक नहीं है, वो इतने कॉस्टली होते हैं जिसको कि यूज़ करना हर एक के बस का नहीं है, हम भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी एक शौक़ है बढ़िया से बढ़िया देने का और इसलिए हम इसको दे रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जितने भी इसको पसंद कर रहे हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमको ये तो चाहिए ही, इसके बाद जो देखा जाएगा, पहले ये दे दीजिए। तो इसकी स्पेशलिटी यही है। और आपको बताते चले कि यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है कि सारे आइटम डेली परचेज होते हैं, कोई भी स्टेल आइटम का यूज़ नहीं होता है, तो आपको टेस्ट हमेशा एक जैसा और एकदम फ्रेश ही मिलेगा। अंकल बताएंगे। हाँ, ये बात तो सच है कि हम लोग का प्रयास रहता है कि इतना ही सामान लेके चला जाए जो कि कंज्यूम हो जाए, और अगर कंज्यूम नहीं हो पाता तो हमारे पास वर्कर्स हैं, हम लोग उनमें बांट देते हैं जिससे कि कल जो फिर से फ्रेश खिलाएं। हमारा प्रयास यही है कि फ्रेश खिलाया जाए और गर्म खिलाया जाए, मेरे ख्याल से ये भी एक कारण होगा पॉपुलैरिटी का। और आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट हुई फूड ट्रक कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है इलाहाबाद के यंगस्टर्स के बीच। स्टार्टअप में इतना टेस्टी और स्पाइसी मशरूम मैंने आज तक नहीं खाया किसी भी स्ट्रीट फूड शॉप पे। तीखे के शौकीनों, वेट किस बात का कर रहे हो? तो दोस्तों, आप एक बार जरूर कैप्टन कुक पे विजिट करिए, जो शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज के पास नाइट मार्केट में लोकेटेड रहती है। एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और हाँ, इनके इंस्टाग्राम चैनल को भी प्लीज़ फॉलो करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी चटपटे सफ़र में।